नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। तराई की तलहटी में बसे लखीमपुर खीरी में अब उन छात्र छात्राओं के सपने जल्द ही पूरे होंगे जिन्होंने खुद का डॉक्टर बनने का सपना देखा था, और उससे भी ज्यादा उन माता पिता के सपनों के साकार होने का भी समय आने वाला है जिन्होंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। तभी तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अब छात्रों का वह सपना जल्द ही पूरा होगा जिसके चलते हर किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि खीरी जिले को भी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दे दी गई है, और इस केंद्र सरकार द्वारा दी गई सौगात से माता पिता अध्यापकों के चेहरे पर तो खुशी देखने को मिल ही रही है, इसके अलावा छात्रों में भी एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। वह ग्रेजुएशन करने के बाद डॉक्टर होने का और सपना पूरा कर सकेंगे। आपको बता दें कि राजस्व विभाग मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए जमीन भी तलाश ली है और जल्द ही उस पर काम भी शुरू होने वाला है। यही नहीं, छात्रों के पेरेंट्स की माने तो उनके बच्चों को अब जिले से भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात छात्रों में यह देखने को मिल रही है कि वह डॉक्टर बनकर अपने जिले के लोगों की सेवा कर सकेंगे और अपना फर्ज निभा सकेंगे, जिससे चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौसाम्बी में मिली अनुमति केंद्र की सहायता से लखीमपुर खीरी में भी अब मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। हमारा नाम नमित कौर है, हम कक्षा 12वीं की छात्र हैं, हम इंडियन एकेडमी में पढ़ते हैं, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुला है, और इससे एक तो आसानी हम लोग को ये होगी कि हम लोगों को ज़्यादा दूरी पे जाना नहीं पड़ेगा, और हमें इस बात की भी खुशी है कि मुझे अपने जिले में कॉलेज खुला है तो उसमें हम मतलब अपने जिले के लोगों की मतलब मदद करने की एक मौका मिलेगा। और जैसे आपको लगता है कि कभी आपको पता चला हो कि हमारे आस पड़ोस के लोग कहीं कोई बीमार हो गया तो बाहर जाते तो उनकी लोग सेवा करते, तो आपको क्या लगता है कि आप उनको पूरा सेवा करेंगे उनके आस पड़ोस? जी, मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी कि अब उन लोगों को भी दूर नहीं जाना पड़ेगा, और वो उसी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जहाँ होंगे, और उनकी सेवा करके हमें भी खुशी मिलेगी। अच्छा, आप डॉक्टर बनना चाहती हैं या फिर क्यों, क्या करा? मैं डॉक्टर अपनी मतलब सोसाइटी की मतलब जैसे डेवलपमेंट के लिए बनना चाहती हूँ, और जो गरीबों की मतलब मदद के लिए भी करना चाहती हूँ। और हमें ये गर्व हो रहा है कि हमारे छोटे से शहर में इतनी बड़ा सा मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, और इसके लिए हम जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिनके पास बहुत पैसा नहीं है कि हम बाहर अपने बच्चों को पढ़ा सकें, ऐसा हमारे माता पिता यह सोचते हैं, तो हमें यही मिल जाएगी और हमें बाहर जाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, और हम अपने घर रहकर भी सारे फैसिलिटीज़ को पूरा कर लेंगे और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकेंगे, और मेडिकल कॉलेज में जो गरीब लोग हैं उनकी हम मदद कर सकेंगे, और हम लोग जो है वो गरीब लोगों की मदद करेंगे। और इसी के साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्थ है, मैं दंडन एकेडमी का छात्र हूँ, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। और जैसे कि आपको पता है लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो उसमें क्या कहना चाहिए? मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आगे जाके डॉक्टर बनूंगा, और मेरे को बहुत ज़्यादा इस बात का डर था कि मैं आगे जाके किस शहर में कहाँ पर कैसे एडमिशन लूंगा, ना ही मेरे को कोई ढंग की कोचिंग के बारे में नॉलेज है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे जिले में ही ये गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज खोल रही है, तो अब मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं यहीं पर पढ़ लूंगा और यहीं पर आसपास अपने लोगों की सेवा करूंगा एक अच्छा डॉक्टर बनके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज अली है। कहाँ रहते हैं? मैं पलिया का निवासी हूँ, लखीमपुर खीरी से। किस स्कूल में पढ़ाते हैं? मैं इंडियन एकेडमी पलिया कलर। जैसा कि आपको पता है अपने लखीमपुर खीरी जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेडिकल कॉलेज जो भी सरकार ने जो भी इनिशिएटिव लिया है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है स्टूडेंट्स की लाइफ में, एज वेल एज जितने जो हमारे मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होंगे उनकी डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, और स्पेशली जो हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो हमारे लड़की या गर्ल्स छात्र को बाहर भेजने में थोड़ा सा संकोच भी करते हैं, उनके लिए एक अच्छी बात है। तो मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये पॉजिटिव एस्पेक्ट लिया है, पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है, और ख़ासकर जो हमारे लखीमपुर छात्र हैं तो वो यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर पाएंगे, एक अच्छी पढ़ाई उनको मिलेगी और वो लखीमपुर को की सेवा करेंगे। सुमित गुप्ता। अच्छा, जो ये मेडिकल कॉलेज बनना है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे ज़िले में जो मेडिकल कॉलेज है, इससे बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा मौका है, और हमारे ज़िले के अंदर जितनी सुविधाएं जो अवेलेबल होगी उसके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला वर्क है, ठीक है। और बाकी हमारे स्टूडेंट जो स्कूल में रहते हैं उनके लिए भी अच्छा है कि वहाँ मेडिकल कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो पाएगी,
और वो अच्छे से एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर पाएंगे और जो फैसिलिटी चीज़ें जो मिलनी चाहिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहले नहीं थी, अब मेडिकल कॉलेज खुलने से वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त होंगी। आपको क्या लगता है, जैसे कि आपके छात्र यदि वहाँ पर जाते हैं तो क्या वो सेवा भाव से भी जा जाएंगे वहाँ पर? हाँ, वो अपना इंटरेस्ट हो सकता है, अपना जितना भी इंटरेस्ट हो सकता है कि सेवा भाव से भी वो अपना वर्क कर सकते हैं। और ये अच्छा है कि हमारे ज़िले के अंदर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जिससे कि आगे हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ी प्रगति का कारण हो सकता है। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम शादाब खान है और अलिया कना खीरी का हूँ। और ये डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज जो बनने वाला है, इसके मुतालिक मैं जो है, मुझे बड़ी खुशी हुई है ख़बर सुनकर कि हमारे जो 12वीं पास करके बच्चे आगे जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, बड़े बड़े शहरों में पहली बार बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो उनका बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों को बड़ी जो है कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं और बड़ा जहमत उठानी पड़ती है बच्चों को यहाँ से वहाँ तक जाने में। और ये बहुत ही अच्छा कदम सरकार ने उठाया है और बच्चों के लिए, और हमारे देश की सरकार ने हमारे हिंदुस्तान में जो है हर, मैं तो कहूँगा हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट को, सरकार को बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे मरीज़ों की जो खिदमत करना चाहते हैं, जो मरीज़ों के करीब जाना चाहते हैं, उनको पास से देखना चाहते हैं, उनको जो है एक खिदमत करने का मौका मिले, तीमारदारी का मौका मिले मरीज़ों की, और जो है बच्चे काफ़ी उन्नति करेंगे इससे। हमारे जो 12वीं पास करके बच्चे जा रहे हैं, खासकर साइंस के स्टूडेंट हैं जिनको आगे चल के काफ़ी डॉक्टरी वगैरह पढ़नी है, नर्सिंग करनी है, और इसको लेके काफ़ी खुश मिजाजी बच्चों में भी है, हम में भी है, टीचर्स में भी, जब से ये बात जो है जहन में आई है, मालूम चली है हम लोगों को कि जो है मेडिकल कॉलेज का वो होने जा रहा है। हमारे अपना भविष्य इंदुप्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदुप्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।